नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र, ये भी आपका अपना है और इसमें भी आप सुन सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही विद्वान आचार्य सुभेश शर्मन जी हैं, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से राम मंदिर जो बन के तैयार है, भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है, वो किस तरीके से पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वो एक एक अलग से एक स्पॉट बनेगा और राजनीति को किस ढंग से प्रभावित करेगा। एक बड़ी बात है, क्योंकि इस पर राम मंदिर को लेकर बहुत सारी राजनीति भी की जा रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है। सनातन एक शब्द उभर के सामने आया है हाल में और बहुत तेजी से फैला है, तो इन सब पर प्रकाश डालेंगे। सुभेश शर्मन जी, जी शर्मन जी, क्या क्या माहौल अब बना है देश में भगवान श्री राम मंदिर के तैयार होने के बाद? देखिए, हमारे यहाँ राम तो जन जन के नायक हैं और राम एक ऐसे अवतार हुए हैं, भगवान हैं, जिन्होंने जीव जंतु से लेकर के पशु पक्षी से लेकर के प्राणी मात्र के लिए कुछ न कुछ किया है। वो वनों में गए, वनवासियों की सेवा करी और समुद्र लंघन करके जो है लंका तक गए। एक जैसे एक पूरी प्रकृति को उन्होंने अपने साथ समेट लिया हो ना, इस प्रकार से हमारे जन जन के नायक है राम। प्रत्येक सनातनी के हृदय में विराजते हैं और अगर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो ये भगवान राम की इच्छा ही है। ये सनातन हिंदुओं का जो संघर्ष है, 492 वर्ष का जो संघर्ष है, उसके पश्चात ये इतना बड़ा पवित्र और शुभ दिन सब सनातनियों के लिए, सबके जीवन में आया है। जो राम भक्त है, जो हमारे सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, इनकी श्रद्धा है। और जो आपने प्रश्न रखा कि राजनीति, तो देखिए, राजनीति हम किसी भी विषय को लेकर कर सकते हैं। हमारे अपना चिंतन हो सकता है, हमारा अपना विचार हो सकता है, हम चाहे तो छोटी से छोटी चीज में भी राजनीति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ राजनीति का क्या प्रश्न है? ये तो धर्म नीति है, ये तो सनातन संस्कृति है, ये तो भारत की संस्कृति है। भारत के प्रत्येक घर में राम का नाम, कोई ऐसा नहीं होगा संसार में जिसने गाये बगाए जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया होगा, हर व्यक्ति लेता है। ऐसा कहा है कि हमारे यहाँ राम जपो, राम जपो, राम जपो, वावरे घोर भव नीर निधि नाम निज राम, जिनके नाम से ही संसार से कल्याण प्राप्त कर सकता है। और आज उनका मंदिर बन रहा है, ये बहुत सौभाग्य की बात है, इसमें सबको प्रसन्न होना चाहिए। और प्रसन्नता के, क्योंकि हमारे यहाँ आप एक और विचार करिए, राजनीति के प्रश्न पर बात कर रहे हैं तो मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण, संसार में जितने राज्य हुए हैं उसमें सिर्फ कल्पना किसी की गई राम राज्य की, कभी नहीं कहा गया कि जो है कृष्ण राज्य होना चाहिए, यह भी नहीं कहा गया कि विक्रमादित्य का राज्य होना चाहिए, यह भी नहीं कहा कि चंद्रगुप्त का राज्य, राम राज्य की कल्पना, जिसमें प्राणी मात्र प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, बिना किसी भेदभाव के करता है, इसमें सामाजिक रूप से समरसता है। और संसार में राम से बड़े समरसता के प्रचारक कोई और नहीं है, वाल्मीकि के हृदय पटल पर वो विराजते हैं, महर्षि वाल्मीकि। हमारे यहाँ ऋषि होता है और महर्षि होता है, महर्षि और फिर राजऋषि होता है, तो भगवान ने तो सारे संसार के कल्याण का काम किया है। तो राम राज्य की कल्पना तो प्रत्येक प्राणी मात्र के मन में है और राम राज्य हो जाए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः होता है, विश्व का कल्याण होता है, सब लोग प्रसन्न रहते हैं, तो कहाँ आपत्ति होनी चाहिए। तो मोदी जी किस तरीके से इसमें सारी इन्वॉल्वमेंट जो मोदी जी की दिखाई दे रही है, आज उस पर बहुत सारे लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं। तो मोदी जी ने जिस तरीके से सनातन का आज झंडा उठाया है, उस पे आप कहां तक क्या सोचते हैं? देखिए, सनातन के बारे में अगर हम बात करें तो सनातन आदि है, अनादि है, अनंत है। इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है उसके मूल में सनातन है। आपने, हमने अपने पिता को पिता स्वीकार किया है, हम पिता को पिता मानते हैं, हम माता को माता मानते हैं, माता को माता स्वीकार करते हैं, ये भी तो सनातन ही सिखाता है, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारा पिता है, ये भाई है, ये बंधु है। विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो सनातन में है। जहां तक प्रश्न है कि मोदी जी इसको उठा रहे हैं, तो मोदी जी भी तो इसी संसार के व्यक्ति हैं। एक महापुरुष के अपने अपने गुण होते हैं, वो उनका एक एक चिंतन है, राष्ट्रीय चिंतन है, क्योंकि सनातन का अर्थ है जिसमें सब सुखी हो, जिसमें सब प्रसन्न हो, जो सब निरंतर गतिशील हो, अपनी संस्कृति और हमारी जो मूल धारा है भारत की, उसमें तो राम समाये हुए हैं। तेरे मन में है राम, मेरे मन में राम, रोम रोम में राम समाया, देखो देखो रे राम की माया। हम कभी कुछ भी हो जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति में हो, तो सनातन का जहां तक प्रश्न है और जहां तक हमारे मोदी जी का प्रश्न है, तो मोदी जी इस युग के महापुरुष हैं। आप देखिए
कि उन्होंने अपने कालखंड में वो किया है जो भूतों ने भविष्य थी। हमारे जितने वैदिक चिन्ह हैं, जो हमारी वेदों की परंपरा के जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, उन सभी स्थानों पर जाकर के उन्होंने उसके पुनर्निर्माण का काम किया है। तो पुनर्निर्माण कौन करता है? योग्य पुत्र करता है। सिद्धांत क्या है भाई? आपके पिताजी ने कुछ कहा या हमारे पूर्वजों ने कुछ कमाया और वो अगर हमारा कोई जीर्ण शीर्ण हो गया, कमजोर हो गया, तो उसको फिर से हमने निर्मित किया, ये काम चल रहा है। और ये जो हमारे शास्त्रों के वर्णन पर हम चले जाएं तो ये रुद्र डीसी चल रही है, ये तो पुनर्निर्माण का काम करती है। इसमें तो जो ऐसी चीजें हैं जो पहले खराब हो गई उनको भी ठीक किया जाता है। तो भगवान शिव का ही यही मन है, तो उसे कौन रोक सकता है? तो राजा का भी कर्तव्य है कि वो प्रजा के हित में सारे काम करे। तो यथा राजा तथा प्रजा, जो श्रेष्ठ राजा होता है वो समाज के कल्याण की। और एक और बात करेंगे इस विषय में कि हमारे यहाँ जो कुछ था पहले, आप आज के 100 साल पहले चले जाइए तो सब कुछ जो था हमारे यहाँ सब धर्म और मंदिर आधारित था। हमारे यहाँ विवाह मंदिरों में तय होते थे और कोई समाज का कोई विषय होता था तो मंदिर में बैठ करके उस पर निर्णय होता था। फिर मंदिर जो थे वो गुरुकुल चलाते थे, गुरुकुल के साथ साथ हमारे यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा का सिद्धांत था, वहां वैद्य भी होता था और निःशुल्क चिकित्सा होती थी, निःशुल्क शिक्षा होती थी। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो कहां बुरा था वहां पर? उस समय हमारे देश में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी जो वास्तविक में जो हमारी पहचान है, हम इस बात के लिए सारे संसार में नहीं जाने जाते कि हम कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। आज हम वो भी बना रहे हैं, हम चंद्रमा पर भी जा रहे हैं, हम जो है वो सारे सौरमंडल में हमारे जो है प्रक्षेपण चल रहे हैं वैज्ञानिकों के, वो उपग्रह भेज रहे हैं, ये काम भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऋषि करते रहे हैं ये काम। आचार्य सुरेश शर्मन जी एक ब्राह्मण समाज जो है उसको भी चलाते हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं आप, और बड़े आप काफी जोर शोर से पूरे देश और दुनिया में जो है आप ब्राह्मण समाज को आगे रखते हैं। तो शर्मन जी से एक चीज और भी जाननी है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये तो भगवान शंकर का वो है कि किसी चीज को मिटाना है और फिर दोबारा से बनाना है, तो क्या शर्मन जी वृंदावन में जो कहा जा रहा है, मथुरा में जो अब मंदिर बनने की तैयारी, तो आप उसको भी देख रहे हैं क्या आने वाले टाइम में, जब आप मोदी जी नए उस अपने कार्यकाल में आएंगे तो आपके मथुरा में मंदिर बन जाएगा? देखिए, इस पर मैं ये नहीं कहता हूं कि क्या होगा, लेकिन अगर ईश्वर की इच्छा है तो उसे कौन रोक सकता है? जो काम ईश्वर ने तय कर दिया हो उसको कोई नहीं बदल सकता, उसे आप मैं चाकर के भी नहीं बदल सकते। ब्राह्मण समाज की क्या इच्छा है? देखिए, मैं इच्छा, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा ये है कि वो अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव के जो है भव्यता की और दिव्यता की कामना करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने, हम तो हमारे यहाँ तो ईश्वर जो है वो पिता तुल्य होता है, हमारे तो पिता माना जाता है, वो तो परम पिता है, फिर वो सारे संसार के पिता है, उनकी ये सारा संसार उनका है। आप इस पे एक और दृष्टिकोण से चिंतन करिए, अगर मैं ये कहता हूं कि ईश्वर कितना शक्तिशाली है, तो हमारे यहाँ जो कुछ है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संतुलन है सारे संसार में। अगर वो, विज्ञान कहता है कि सारे संसार से गुरुत्वाकर्षण शक्ति आधा मिनट के लिए खत्म हो जाए, मैं आधा मिनट तो ज्यादा शब्द प्रयोग करें, 10 सेकंड के लिए खत्म हो जाए, तो हम सारे ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से सब नहीं जाए, ये कौन अच्छा इसको किसने बनाया? किसी वैज्ञानिक ने बनाया? आज तक इस रहस्य को कोई जान सका? ये सब ईश्वर निर्मित है। जो देव निर्मित है उसे देव ही संतुलित कर सकता है, उसे महादेव ही संतुलित कर सकते हैं, इसलिए महादेव का संसार बाकी सब देव है, वो महादेव है। ये संतुलन का जो काम है ये ईश्वर का ही काम है, मनुष्य इसको संतुलित नहीं कर सकता। तो इसमें क्या आपत्ति है? अगर भगवान जिसने सारा संसार, एक कण कण ईश्वर का है, एक क्षण क्षण ईश्वर का है। अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पूर्व में जो है जापान में 21 जो है भूकंप आए और अपने देश में आ जाए तो क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा। तो उस ईश्वर की शक्ति देखिए कि उसने कितना संतुलित किया है। उसने सबसे ज्यादा जो विज्ञान के प्रति और अपनी योग्यता के आधार पर उन्होंने ग्रहों का निर्माण किया, लकड़ी के घर बनाए हैं, इमारतें इस प्रकार की बनाई हैं जो हिलती भी है लेकिन गिरती नहीं है। इतना बड़ा, जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वहां विज्ञान के माध्यम से और ईश्वर ने बुद्धि भी बैठी दी उन लोगों को। तो ईश्वर का सारा घर है और ईश्वर के घर में अगर उसका थोड़ा बड़ा घर बन जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आचार्य शर्मन जी ये इशारा कर रहे हैं कि हाँ, हम मथुरा में भी बड़ा घर बनाने वाले हैं श्री कृष्ण भगवान का। तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से दिवाली मनाई जा रही है, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है
कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन आप अपने घर में भी दिवाली मना सकते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दीपावली हमारे यहाँ संपन्नता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, हमारे वैभव का प्रतीक है। तो आपके घर में अगर भगवान आ जाएं तो क्या आप प्रसन्न नहीं होंगे? दूसरी पार्टियां इस पर ऑब्जेक्शन कर रही हैं। देखिए पार्टियों, देखिए ये जो है ना, आप आज सुनिए, आज पार्टियां ये भी कहती हैं कि हमें बुलाया नहीं जा रहा। ये तो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, जिन्होंने राम को माना ही नहीं, जिन्होंने कोर्टों में लिख लिख करके दिया कि राम कुछ है ही नहीं, काल्पनिक कथाएं हैं, आज वो कहते हैं हमें बुलाया नहीं जा रहा। तो ये तो फिर आप समझ सकते हैं, पूरे देश की जनता भी समझ सकती है, पूरे देश का नागरिक समझ सकता है, पूरा विश्व उसको समझ सकता है कि इनकी विचारधारा कैसी है, इनका मानसिक चिंतन क्या है, इनके सोचने का ढंग क्या है। ये तो स्वयं निर्णय कर सकते हैं, इसमें किसी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आचार्य सुरेश शर्मन जी उन लोगों में से है जिनको अयोध्या जाने का निमंत्रण है, बाकायदा ये भी जा रहे हैं, तो इसलिए बात तो ठीक है, ये क्योंकि काफी ऊर्जावान है और जिसको भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, सचमुच ये बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन आप ये बताइए कि बहुत सारे लोगों के लिए मना भी किया गया है कि आप ना आए, अपने घरों में मनाएं, मंदिरों में, तो उनका कब नंबर आएगा? देखिए, नंबर नहीं, एक क्रम तय किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद भगवान की कृपा से बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। कृपा तो है, और ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया है, ये उन्हीं की कृपा से संभव है। और अगर जो और लोग हैं उसका एक क्रम निर्धारित किया गया है कि एक दिन में 50,000 लोगों के आने की व्यवस्था क्रमशः रहेगी। एक क्योंकि अभी हमारी जो भगवान जो सब पुरियां हैं उसमें अयोध्या एक पुरी है, तो वो अभी तैयार की जा रही है। आप खाली एक मंदिर की बात नहीं करिए, उस पूरे क्षेत्र में जितना विकास किया जा रहा है, आप देखिए कि कौन से स्तर पर वहां पर लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि शायद अगर आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम चिंतन करें, हम अभी यही सवाल श्रवण जी से अगला करने जा रहे थे कि किस तरीके से जो आप देखिए कि रेवेन्यू के हिसाब से पूरे दुनिया में जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जो इकोनॉमी है वो पूरी अपने वहां के जो टूरिस्ट स्थल हैं, जो टूरिज्म है, सेक्टर है, उस पर डिपेंड है। तो क्या भारत भी आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर का एक बड़ा स्पॉट बनने वाला है? सुरेश सर देखिए, एक विचार करिए आप, एक वर्ष में आप काशी विश्वनाथ के मंदिर में देखिए कितने लोगों ने दर्शन किया, और लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का, तो अब वो 500 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुआ होगा? एक यात्री अगर जाता है एवरेज में अगर माने तो वो 5,000 रुपए तो खर्च करता होगा, आने जाने में, रहने सहने में, वो 5,000 रुपए कहाँ खर्च हुआ? फूल वाले को गया यानी किसान को गया, फल वाले को गया यानी किसान को गया, और रिक्शा वाले को गया एक गरीब मजदूर को प्राप्त हुआ, एक होटल वाले को गया तो एक आर्थिक संतुलन वाले व्यक्ति के पास भी गया, उस होटल में 20 लोग काम करते हैं उनको भी उसी से तनख्वाह मिलती है। तो आर्थिक संतुलन, हमारे यहाँ जो मंदिर थे वो आर्थिक संतुलन का बहुत बड़ा केंद्र थे, मंदिर आधारित जो हमारे यहाँ जो संतुलन था आर्थिक, हम तीर्थयात्रा भी करते थे, हम ईश्वर के प्रति श्रद्धावान भी होते थे, हम अपने क्षेत्र का विकास भी करते थे, और सारी चीजें वहां मंदिर से प्राप्त होती थी, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक निर्णय, विवाह, और जन्मोत्सव से लेकर मृत्यु भी अगर किसी के यहाँ हो जाती थी तो वहां भी मंदिरों के साथ जो धर्मशालाएं बनी होती थी उन्हीं के माध्यम से काम हो जाता था। आज बड़े होटलों में सब परिवर्तित हो गया है, तो संतुलन तो हमारे आर्थिक रूप, और आप देखिए कि यहाँ का व्यक्ति जो भी जाएगा उससे रेलवे को रेवेन्यू मिलेगा, सरकार को मिलेगा, और वो अगर पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को भी मिलेगा, टैक्सी वाले को मिलेगा, रिक्शा वाले को मिलेगा, मंदिर के आचार्य से लेकर के प्रत्येक नागरिक को जो वहां फूल बेच रहा है, फल बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है, जो वहां पर भोजन बेच रहा है, इसका होटल है, रेस्टोरेंट, सबको तो प्राप्त होने जा रहा है। और आप देखिए सारी दुनिया के लोग टूरिज्म को विकसित करने की कोशिश करते हैं, हमारे टूरिज्म का अर्थ नहीं है, हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा है, हम देव स्मरण करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सनातन से जुड़ेंगे, संस्कृति से जुड़ेंगे, भगवान के प्रति श्रद्धावान होंगे, तभी तो हम सही अपने जीवन, सत्कर्म का बड़ा महत्व है जीवन में। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना तो बड़े मर्यादित रहते हैं, और वहां भगवान राम तो स्वयं मर्यादा के प्रतिमूर्ति हैं सारे संसार में, तो भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? तो कोई ये कहे कि मंदिरों से आर्थिक संपन्नता नहीं आएगी, जो ये कहते हैं कि मंदिरों में स्कूल बना देना चाहिए, तो आज स्कूलों की अगर हम चर्चा करें तो स्कूल सिर्फ व्यवसाय केंद्रों के अलावा क्या है मुझे बताइए। एक एक बच्चे को जब केजी नर्सरी में हम जब एडमिशन कराने जाते हैं
जाते हैं तो माता पिता पर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का लोन हो जाता है। तो वहां अगर हम हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति अगर आ गई, वेद का विज्ञान अगर हमारे यहाँ आ गया तो क्या आपत्ति है सारी दुनिया को, आना चाहिए, उस पर सबको चलना भी चाहिए। जी, तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में केवल जो भगवान श्री राम का जो मंदिर है बनाया गया है, तैयार किया गया है, जिनकी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसमें सुभाष शर्मन जी जा रहे हैं उसमें, तो ये आने वाले समय में देश के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू का केंद्र होगा। पूरी दुनिया क्योंकि सनातन के आगे झुकती है, पूरी दुनिया के अंदर सनातन एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे जानने के लिए देश विदेशों से बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो आते रहे हैं लगातार, और उनकी संख्या आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। बहरहाल भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, बहुत सारे लोग उसको जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आ गया है, अपने घरों पे दिए जरूर जलाएं, दिवाली मनाएं। तो अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।